नून लीग या ना हो, आमना इलियास ने ऐसा क्यों कहा? मॉडलिंग में नाम बनाकर अदाकारी का रुख करने वाली आमना इलियास सोशल मीडिया पर काफी मुतहर्रक रहने की वजह से रहती हैं सुर्खियों में। आमना इलियास हर मामले में काफी बोल्ड राय रखती हैं। उन्होंने एक टीवी शो में शिरकत की। इनसे सवाल हुआ कि वो कैसे इंसान से शादी करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि बस वो नून लीग या ना हो, मैं शादी कर लूंगी। नून लीग या ना हो, बस बाकी अदाकारा ने इस इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया कि मुझे फिल्म बाजी में एक आइटम सॉन्ग के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद अजां मरकजी किरदार के लिए साइन कर लिया गया। नहीं, मैंने आइटम सॉन्ग मना नहीं किया था, उस वक्त तक उन लोगों ने मुझसे पूछा नहीं था, ये बाजी की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी किसी आइटम सॉन्ग के लिए मना नहीं किया, मुझे फिल्म चौधरी में आइटम सॉन्ग के लिए कहा गया, मैंने वो कर लिया। वो अलग बात है कि इस गाने को बाद में सेंसर भी किया गया, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, जब भी मुझे किसी आइटम सॉन्ग की पेशकश हो बखुशी कर लेती हूँ। अदाकारा ने कहा कि मॉडल को रैंप पर संजीदा रहने का दर्द सबसे पहले दिया जाता है, अगर वो संजीदा रहेगी तो देखने वालों की नजर यकीनन इसके लिबास पर रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि मैं मुतअद्दिद मर्तबा रैंप पर गिरी, मुझे बुरी तरह से चोटें आईं। एक बार तो मैं रैंप पर ऐसा गिरी, मेरे पांव पर लगने वाली चोट के निशान एक साल तक रहे। अदाकारा ने कहा कि मॉडलिंग करियर को अपनाने के लिए आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, बस मॉडल का कद लंबा होना चाहिए। वाजिया रहे कि आमना इलियास कोरोना के शुरू के महीनों में इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रही और वो बामकसद वीडियोस बनाकर अपने अकाउंट पर शेयर करती रहीं, जिससे काफी लोग लुत्फंदोज होते रहे। अदाकारा ने हाल ही में संगीता का ड्रामा दो बूंद पानी की शूटिंग खत्म की है, इसमें वो एक अलग किरदार और रूप में दिखाई देंगी।